हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो क्लास लेकर आया हूँ, टॉपिक जो लेकर आया हूँ, वह है हमारा पार्ट टू, मापतौल। मापतौल का पार्ट टू भाग है। इसका पहले मैं एक क्लास आपको बता दिया हूँ जिसमें मापतौल का जितने भी फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, उनको मैं बता दिया हूँ। आज उसी फार्मूला के आधार पे आपको बता रहा हूं मैं कि इंच से एमएम में और एमएम से इंच में कैसे हम बदलेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको। तो सूत्र मैं बता दिया था, उसी सूत्र के आधार पे आप कन्वर्ट आप आराम से कर लीजिएगा। तो आज का लेसन है एमएम से इंच तथा इंच से एमएम में बदलना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्या कहता है। इसमें दोस्तों आपको बदलने के लिए इंच से एमएम में और एमएम से इंच में बदलने के लिए आपको दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दो फार्मूला जो वो है, देखिए आपको मैं यहां पर बता रहा हूं कि पहला जो फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है। पहला फार्मूला बोलता है कि एमएम गुने 5/127 बराबर इंच या एमएम भागा 25.4। और कल मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो, इसका पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि एक इंच बराबर होता है 25.4 एमएम। तो इसका मतलब है कि बराबर के बाद जो इंच दिया हुआ, यानी हमको क्या करना है, इंच निकालना है। तो जब हम इंच को निकालेंगे तो एमएम से कन्वर्ट होगा इंच में। तो जब एमएम से कन्वर्ट होगा तो यानी एमएम का मान दिया हुआ रहेगा, इंच का मान नहीं दिया हुआ रहेगा। तो जब इंच का मान नहीं दिया रहेगा तो इंच जब हम निकालेंगे तो पहला नंबर फार्मूला को प्रयोग करेंगे, एमएम गुने 5/127 बराबर इंच निकल जाएगा हमारा। या फिर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में अगर नहीं रहता है तो दूसरा फॉर्मूला ये आप याद रखिएगा कि एमएम भागा 25.4। दो फॉर्मूला है, दोनों आप याद रखिएगा। दो में से एक भी आपको याद रहेगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। इंच में अगर निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, एमएम से अगर इंच में, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, दूसरा नंबर कि इंच गुने 127/5 बराबर एमएम या इंच भागा 25.4। ये फार्मूला आपको याद रखना है, दो फार्मूला। ये जो फार्मूला हमारा है, इंच से एमएम में निकालना, यानी इंच इंच का जो मान है हमारा दिया हुआ रहेगा और एमएम का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, उस एमएम का मान निकालना है कि कितना एमएम मेरा हुआ, उस एमएम के अनुसार में माप करके अपना काम करेंगे। दो फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इंच से एमएम के निकालने के लिए और एमएम से इंच निकालने के लिए, दो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। दो याद रखिएगा कि एमएम गुने 5/127 बराबर इंच निकलेगा और इंच गुने 127/5 बराबर एमएम निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है, आपका थ्योरी बुक में माप तौल के लेसन में आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी नए सेशन में एडमिशन करवाए हैं, या फिर उनका एक साल का कोर्स हो या फिर दो साल का कोर्स हो, जितने भी आईटीआई विद्यार्थी एडमिशन करवाए हैं आईटीआई इंस्टीट्यूट में, वो ध्यान दें कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिस पे नियमित पैटर्न के आधारित आपका एग्जाम होगा। और एनसीबीटी से कोई भी अगर ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बताने का कोशिश करूंगा कि आप तक मैं पहुंचाऊं, आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों अगर मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये हमारी आपकी प्रति कोशिश रहेगी कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊं, आप उसका ज्ञान ले सकें। तो आइए बने रहते हैं, बने रहिए मेरे साथ। आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि 10 एमएम को इंच में बदलें, यानी इंच में बदलने के लिए बोल रहा है कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, पहला नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर के आधार पे हम इसको फॉर्मूला सूत्र
जो है हम लागू करेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि 10 एमएम को इंच में बदलें, तो क्या करना है कि एमएम का मान हमारा दिया हुआ है, लिख लेंगे एमएम का मान कितना हुआ 10, गुना का चिन्ह दिया हुआ, गुना के चिन्ह दे दिए, बराबर गुना के बाद दिया हुआ 5/127 बराबर हमको इंच निकालना है। अब क्या करेंगे, आप भी जानते होंगे कि क्या होगा, अब सिंपल दम हो गया कि अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो गुना करके खत्म कीजिए। तो क्या कर, देखिए कोई अंश हमारा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे कि ऊपर वाला ऊपर से भागा देंगे तो कितना आएगा 10/50/127, इसलिए कि नीचे में कुछ है नहीं तो गुना होगा नहीं, जो है वही उतरेगा, तो 127 बराबर। अगर आप भागा देते हैं इसको तो आपका आएगा 0.393 आपका इंच आ जाएगा। आप निकाल करके, भागा निकाल करके देखिएगा, भागा निकालिए, आपको भागा देने आता होगा, भागा जब दीजिएगा तो आपका जो है इंच निकल जाएगा। आपको भागा कैसे देना है सो देखिए, आपको 127 में 50 से भागा देना है, आपका आ जाएगा 0.393 इंच आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार बी नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 15 एमएम को इंच में बदलें, तो क्या सेम वही करना है, 15 × 5/127 बराबर इंच। अब क्या करना है कि इसको और इसको गुना कर देंगे, 15 × 75/127 बराबर इंच। अब वही करना है कि 75 को हम भागा देंगे 127 से, तो हमारा आएगा 0.590 इंच निकलकर हमारा ये आ जाएगा। आप निकाल करके आराम से देखिएगा, भागा देकर के भागा को देने आता है, आप दीजिएगा, सिंपल सी उपाय है। बहुत सारे विद्यार्थी को हमने देखा है, बताने का मेरा मेन मकसद यही है कि जब थ्योरी में है दिया हुआ तो आपको पढ़ना भी है, और मेन कारण इसका यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं रहता है कि इंच और एमएम किसको बोलते हैं, तो निकालने कहां से जानेंगे, जब इंच और सेंटीमीटर और एमएम नहीं जानेंगे विद्यार्थी तो कैसे कंफर्ट कैसे करेंगे। इसलिए फार्मूला सूत्र जो है हमेशा याद रखिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला देखिए, दूसरा नंबर है कि 11/32 इंच को एमएम में बदलें, इसको मैं मिटाता हूं, क्या बोलता है कि 11/32 इंच को एमएम में बदलें, यानी हमको लागू कौन करना है, इंच का जो मान है हमारा दिया हुआ है कितना 11/32, गुना का चिन्ह दिया हुआ, गुना का चिन्ह दे दिए, 127/5 है तो दे दिए 127/5। अब क्या करना है, कटतेगा तो नहीं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर देना है, क्या करना है कि 127 × 11/32 × 5 बराबर कितना आएगा, गुना करके देखिए, 127 में 11 से करेंगे तो 7 × 7 = 2, 2 × 7 = 2, 1 × 7 = 9, 2 × 2 = 4, 1497/32 में 5 से करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 × 10 = 5, 5 × 15 = 16, 160 इतना हमारा आ जाएगा। अगर इतना को अगर भागा देंगे हम 160 में 1400 से 97 से अगर भागा हम देते हैं तो हमारा आ जाएगा आपका 8.731 एमएम, यानी इसका आंसर होगा 8.731 एमएम आंसर आपका आ जाएगा। भागा देकर देखिएगा, करेक्ट आपका आंसर 8.731 एमएम आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसको भी करना है कि 3/32 जो है 3/32 इंच दिया हुआ है, इसको एमएम में बदलना है, तो इसको भी उसी तरह करेंगे, 3/32 गुना का चिन्ह गुना देंगे, 127/5 आप क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, तो 32 में 5 से गुना किए हैं तो आया है 160,
और 127 में 3 करेंगे तो 27 की एक हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3, 371 बटा 160। इसको भी वही प्रक्रिया करेंगे कि 160 से भागा देंगे 371 में, तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा 2.38 mm, याद रखिएगा। ये जो हमारा दूसरा नंबर का आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आज का इतना ही था दोस्तों, हमको पूरा विश्वास है कि आपको पूरा नॉलेज हो गया होगा, पूरा पता इसके बारे में हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।